बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार को हाल ही में खेल खेल में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी उनकी यह हालिया फिल्म। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी चल नहीं पाई। वहीं अब अक्षय कुमार अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी है। इन सब के बीच अक्षय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अक्षय की ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस टर्न ऑथर ट्विंकल खन्ना और दोनों बच्चे आरव और तारा सिंह काफी अच्छी बॉन्डिंग है। वहीं सुपरस्टार ने एक बार बताया था कि वो अपने बेटे आरव को कभी भी फर्स्ट क्लास में शामिल क्यों नहीं करने देते। दरअसल एक रियलिटी शो के दौरान अक्षय कुमार ने अपने पेरेंटिंग स्किल के बारे में बताया था कि उन्होंने अपने बेटे आरव और बेटी नितारा को वो कैसे पाला है। इस दौरान अक्षय ने खुलासा किया था कि उनका बेटा आरव फर्स्ट क्लास की फ्लाइट में शामिल नहीं करता है। खेल खेल में एक्टर ने कहा कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज तक खर्च कर सकता हूं, मेरा पूरा परिवार फर्स्ट क्लास में जा सकता है लेकिन मेरा बेटा इकोनॉमी में जाता है, वो पीछे बैठता है और मेरी पत्नी आगे बैठती है। बताते चले कि इसी के साथ अक्षय ने ये भी कहा कि वो उन्हें ये महसूस नहीं होने देते हैं कि वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं, क्योंकि अभिनेता चाहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में पैसे के महत्व का एहसास हो, साथ ही उन्हें हर एक परिस्थिति में जीना आना चाहिए। बताते चले कि इसी के साथ अक्षय ने कभी भी अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया है। जी हाँ, बताते चले अक्षय कुमार 57 साल के एक्टर ने ये बताया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारा, साथ ही चाहे वो जिद के कारण हो या फिर अन्य कारणों से हो। वेलकम टू द जंगल के एक्टर ने आगे चुटकी लेते हुए ये भी कहा है कि उनकी पत्नी ट्विंकल कभी कभी उन्हें थप्पड़ मारती है, हालांकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन हाँ मजाकिया अंदाज में बीवी और हस्बैंड के बीच में जो भी नोकझोंक होती है वो तो चलती ही रहती है। बताते चले इसी के साथ अक्षय ने बेटे आरफ को एक खास अंदाज में बर्थडे भी विश किया था। बता दें कि अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के बेटे आरफ ने इसी 15 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक विदेशी लोकेशन से ट्विंकल और आरफ के साथ अपनी एक तस्वीर को शेयर किया था। सुपरस्टार ने अपनी ही पोस्ट में अपने बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। गरम मसाला अभिनेता ने आरफ के लिए एक दिल को छूने वाला नोट भी लिखा था और कैप्शन में सुपरस्टार ने साझा किया था कि उनका दिल गर्व से भर गया है क्योंकि वो अपने बेटे को एक दयालु और प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में बड़े होते हुए देख रहे हैं। अक्षय ने कहा है कि आरफ की मौजूदगी उनके जीवन में खुशी लाती है। अगर हम वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की कई सारी फिल्में पाइपलाइन में बनी हुई हैं, साथ ही जिनमें की हेरा फेरी 3, भूल बंगला, वेलकम टू दी जंगल, जॉली एलएलबी 3, सिंघम अगेन और भी बहुत कुछ शामिल है। फिलहाल आपको किस फिल्म का ज्यादा वेट है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सनलाइट।